गुड गुड सिंगिंग, गुड सिंगिंग। ये तो रिकॉर्ड होना चाहिए, फिर से अरुणा जी फिर से हाँ गए। एक बार फिर से, वन मोर कह देती हूँ मैं, फिर से गा दू सच यस में यही गाना गाती हूँ आजकल मैं आपके लिए। सच अ गुड वॉइस यू हैव, थैंक यू। चलो कैसा रहा अरुणा जी आपका कोर्स हमारे साथ? अरुणा जी से शुरू करते, बहुत म्यूट हो जाएं सब लोग, म्यूट हो जाएं प्लीज। आपके साथ मेरा एक एक दिन, जो जो समय मैंने बिताया बहुत ही अच्छा था, और हर रोज इंतजार रहती थी, और बड़ा प्लेजेंट एटमॉस्फेयर है क्लास में सबके साथ, तो बड़ा मजा भी आ रहा था, बहुत एंजॉय किया, बहुत सीखने को मिला। और अभी तो मैं बस वही गाना गा रही हूँ आपके लिए, अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं है ना, बहुत याद आई थी, और मिलते रहेंगे। मैं तो और क्लासेस ज्वाइन करने के लिए तैयार बैठी हूँ कि रोज आपके दर्शन हो, कुछ सीखूं, करती रहूं, बस साथ बना रहे। थैंक यू। बिल्कुल समझ में आना चाहिए, मेन बात ये अरुणा जी आप लोग समझ में आए आप लोगों का करियर स्टार्टअप हो। और आज मैं कुछ आप लोगों को टेक्निक्स भी बताऊंगी कि हाउ टू स्टार्टअप योर करियर, ठीक है, बिल्कुल आगे कैसे बढ़ना है। लेकिन पहले प्रेडिक्शन स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि जिनकी प्रेडिक्शन अच्छी होगी वी विल डेफिनेटली हेल्प यू। कुछ प्लेटफॉर्म्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आप लोगों को हम रेकमेंड करेंगे, पर हमारा नाम नहीं डूबना चाहिए ना, तो जिनकी प्रेडिक्शन नाम नहीं अच्छी है। डूबेगा नाम गूंजेगा जी, बिल्कुल बिल्कुल, हमारा साइरम पेशेंस का सर्टिफिकेट भी काफी है, बट डेफिनेटली यू शुड बी प्रिडिक्टिव इनफ। हमने एक्चुअली फोकस ही प्रिडिक्शंस पे करा है, मैंने बहुत फोकस करा है कि ज्यादा थियोरेटिकल पार्ट कवर ना करके प्रिडिक्टिव पार्ट को ज्यादा अच्छे से कवर करूं, जिसको आज हम फिर से रिवाइज करेंगे। कुछ 81 कॉम्बिनेशंस का डिस्कशन हो रहा था ग्रुप में, तो हम उसके बारे में भी आज बात करेंगे, आज शायद नहीं तो नेक्स्ट क्लास, दो तीन क्लासेस ही बच गए वैसे, ये वीक ही होगा होपफुली, ठीक है। चलो, और आपका बेटा ठीक है अरुणा जी? क्या एवरीथिंग ठीक? गोइंग वेल? बेटा बेटा हाँ, ठीक है, एवरीथिंग गोइंग वेल? अमित अमित आया हुआ है आजकल मेरे पास, और अभी हम आपके ओके बताए हुए प्रेडिक्शन रेमेडीज ही पढ़ रहे थे। मुझे आपसे बात भी ओके करनी है, जब आपके पास समय हो प्लीज मुझे बताइए, मैं आपसे एक दो बातें पूछना चाहूंगी, तो है ओके 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 ना। चलो ठीक। मैम एक रिक्वेस्ट और है आपसे मैम, हाँ बोलो बोलो। पूरे उसमें न्यूमरोलॉजी में मैंने आपसे अपना चार्ट नहीं लगवाया, लेकिन अपने बेटे का चार्ट अब लास्ट में आप एकदम सबसे मेरा पहले आप ही लगाइएगा। का लगा था वंदना जी, सबसे पहले आप ही का चार्ट लगा था, आई रिमेम्बर जब आपने कहा था नहीं मैं तो ऐसी नहीं हूँ, मैं तो अच्छा ऐसी अच्छा नहीं हूँ, अच्छा वो उस और वक्त फिर आपने मुझे कहा हाँ मैं तो ऐसी हूँ। मैं मेरा भी लेकिन चार्ट नहीं लगा अभी तक। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है मैम, मेरे बेटे का चार्ट एक बार आप लगाइएगा। चलो ठीक है, कर लेंगे कर लेंगे, दो तीन चार्ट आज हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन थैंक यू टॉपिक मैम। खत्म कर ले, एक क्लास और ले लेंगे, दो क्लास और ले लेंगे, क्यों घबरा रहे हो आप लोग? ठीक है ठीक मैंने है, लिख स्वागत दिया लास्ट क्लास का, मैम सबको इतनी टेंशन हो रही है सबके फेसेस पे, जी एक्साइटमेंट से ज्यादा मुझे टेंशन दिख रही है, ये नहीं सोच रहे आज क्या पढ़ने वाले हैं, नो आज मैडम लास्ट क्लास कैसे मैम, बिछड़ने होगी। वाले ना, इसलिए दुख हो रहा है। और मेडिकल की क्लास तो मैम आपको ना आधे वक्त इतना टेंशन में देख के कुछ हंसी भी आती थी और लेडीज पे गुस्सा भी आता था कि क्या कर नहीं, सही। ऐसा गुस्से वाली बात नहीं है, बट यस डेफिनेटली वो लोग एक्चुअली बिल्कुल न्यू कोर्स से आते हैं, तो बहुत ज्यादा उनको नॉलेज नहीं होती नंबर्स की। आप लोग काफी टाइम से पढ़ रहे हो, तो आपको अगर मैं एक कॉम्बिनेशन बताऊंगी आप कनेक्ट कर लोगे, है ना? उनको मुझे जीरो लेवल से पढ़ाना होता है तो डेफिनेटली मेहनत लगती है, बट आई एम यूज टू ऑफ दैट। हर साल मैं तो पढ़ाती हूँ, दो तीन महीने बाद तो मेरा कोर्स आ जाता है, तो कोई इशू नहीं, बट इस बार स्ट्रेंथ ज्यादा थी, बच्चे को ज्यादा ही आ गए थे, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम। मैम लेकिन ओके आपके ओके अंदर मैम, बहुत ज्यादा पेशेंस लेवल है, बहुत ज्यादा पेशेंस है, बहुत ज्यादा बस है। ब्लेसिंग्स है, आप सबकी इतना प्यार करती हो मेरे, वही मैम बहुत पेशेंस के लिए मैम क्या टेक्निक है वो बताइए, हम सबको भी पेशेंस चाहिए थोड़ा सा आपकी तरह। पेशेंस की टेक्निक, बस ग्रो करना है इस फील्ड में, जैसे तैसे ग्रो करना है, हेल्प करना है, यही टेक्निक है मुझे तो। ऐसा कोई टेक्निक मैं फॉलो नहीं करती, बट हाँ मुझे ऐसे लगता है जो मेरे साथ जुड़ा है उसको वो ये ना सोचे कि ये इनकम्प्लीट रह गया या वो इनकम्प्लीट रह गया, सब कुछ प्रॉपरली होना चाहिए, टैक्स तो होनी चाहिए। देखिए मैम, मैं एक चीज कहना चाहूंगा आपके लिए, मतलब मेरे को लोसु ग्रेड जितना आता था, जब आपसे वैदिक न्यूमरोलॉजी सीखना शुरू किया तो मेरा प्रेडिक्शन लेवल वाकई में बहुत अच्छा हुआ, और मुझे ये वाकई आप अपनी ब्लेसिंग आपकी ब्लेसिंग की वजह से ही हो पा रहा है कि इतनी अच्छी प्रेडिक्शन मैं कर पा रहा हूँ। थैंक यू पंकज जी, आपका भी रिसर्च है, यू आर अ वेरी गुड रिसर्चर, आई कैन सी दैट, आपकी भी मेहनत। अभी मैम जैसे मैंने अपने फादर के लिए बताया था कि फादर का मैंने प्रिडिक्ट किया था, उनके साथ वो हो गया,
अभी उनके लिए एक और प्रिडिक्शन कर रखी है, देखें क्या होता है। अच्छा ओके चलो, बाकी सब म्यूट पे रहो यार, इतना शोर क्यों कर रहे हो आज। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगी अखिल जी से। अखिल जी ने वेबिनार में वैसे इतने क्वेश्चंस पूछे थे कि मैडम आप मैम याद है आपको वो सारे वेबिनार्स जो मैं आता था और क्वेश्चन करता था कि ये कैसे पॉसिबल है या कैसे हो सकता है, ये तो मतलब मुझे लगता था कि ये शायद कोई शायद पढ़ा के सिर्फ स्किप हो जाएगा कि हाँ बस कह दिया और हो जाएगा, बट मुझे यकीन नहीं था कि हम लोग कुछ प्रेडिक्शन भी कर पाएंगे। एंड आई डोंट नो, ये थैंक्स आपके लिए बहुत छोटा वर्ड होगा, बट आई डोंट नो, मुझे आज तक यकीन नहीं है कि हम प्रेडिक्शन लेवल पे कैसे पहुंचे। और बहुत कम मिलते हैं लोग लाइफ में जो एक्चुअली में कुछ सिखा के जाते हैं और एक्चुअली में कुछ लेसन देके जाते हैं। यू आर वन ऑफ देम। आई रियली 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 थैंक यू फॉर टीचिंग अस एंड गिविंग अस द राइट वे टू प्रोग्रेस इन द लाइफ। नहीं बिल्कुल, आई डोंट वॉन्ट टू से यू बाय एनी टाइम और एनी टाइम सून और लेटर, बट प्लीज डोंट से बाय बिकॉज आई डोंट नो कि ये क्या है और क्या नहीं है, बट कैसे हम लोग कनेक्टेड हैं। बट इवन इन ग्रुप में भी लोग बड़े इंफॉर्मेटिव हैं और अलग तरीके से लोग कनेक्टेड हैं एंड आई एम वेरी सरप्राइज टू सी ऑल दिस। मैंने अपनी लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं करा। ओके चलो दैट्स ग्रेट, मतलब अब एक अचीवमेंट है मेरी, सीरियसली सिर्फ अखिल जी के लिए, क्योंकि वेबिनार में मुझे खुद भी डर लग रहा था कि यार ये एक तो फॉरेन से है, ओपन से इतना पूछ रहे हैं कि मैडम आपकी तरह प्रिडिक्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, गारंटी दो, इसकी गारंटी। तो मतलब माय गॉड यू आर मैं हैप्पी। थोड़ा सा ना थोड़ा सा साक्षी जी के क्लोज था डांट खाने के लिए कि एक बार तो मैम चिल्ला ही पड़ी थी, क्या कह रहे हो, कॉन्फिडेंस रखो कॉन्फिडेंस रखो। नहीं यार वो डे आई कैन नॉट रिमेम्बर, मतलब फॉरगेट। मैंने आज तक किसी बच्चे पे नहीं चिल्लाया, बट वो साक्षी पे मैंने हाँ फेयर सीरियसली इनफ, बहुत चिल्ला दिया था। एंड आई फेयर रियली इनफ मैम। अपोलोजाइज वो आल्सो उसमें टू हर। नहीं नहीं वो उसमें वो हीट ऑफ द मोमेंट था, इसमें कोई राइट रॉन्ग नहीं है। हैप्पी अखिल जी, हैप्पी एवरीवन, हैप्पी ना, चलो आई एम आल्सो हैप्पी। बट थैंक आज यू बहुत मैम। इमोशनल मोमेंट्स हो रहे हैं क्लास में, ऐसे लग रहा है कि सब हम आज एंड में किसी के आंसू ना आ जाए बस। नहीं, मतलब मुझे लगता है एक्सपीरियंस है हम सबका। और बाय एक बहुत ज्यादा डेंजरस वर्ड है, नहीं कहना चाहिए बाय हाँ दूसरे को। नहीं, बाय नहीं बोलेंगे, बस यही कहेंगे गॉड ब्लेस यू ऑल, सब लोग लाइफ मैम करो, फलो फूलो, सबकी विशेष पूरी। का प्रोनोलॉजी कोर्स ज्वाइन करेंगे। बिल्कुल हाँ हाँ मोस्ट वेलकम, बिल्कुल मोस्ट वेलकम। इरा मैम, भट्ट जी भी कुछ कहना चाह रही हैं। यस मैम, इरा थैंक यू जी, पूरी सो क्लास में आपने कुछ मच। भी नहीं बोला, आज तो आपको बोलना पड़ेगा, कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है और मैं कर रही हूँ प्रिडिक्शन, सीख रही हूँ सबसे, और आपसे तो इतना सीखने को मिला। और मैं आपसे कैसे जुड़ी, मैं किसी के साथ करने वाली थी अच्छा कोर्स, पर वो उन्होंने मुझे रिप्लाई ही नहीं किया। अच्छा ओके okay. तो फिर अचानक से आपका कैसे पता, आपके साथ मैं जुड़ने वाली थी, शायद यूनिवर्स को भी वही चाहिए था कि आपके साथ जुड़ू। आई वाज सो यू नो आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी, आई एम लर्निंग एवरी डे, आई एम लर्निंग समथिंग न्यू। मैं इतना ग्रेट प्रैक्टिस नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज आई हैव क्लाइंट एवरी डे, मेरे पास व्हाट बरसों यू डू से यू इरादी, नो क्या फिक्स्ड है। करते हो आप? मैं नेचुरोपैथी की प्रैक्टिस करती हूँ ना, घर अच्छा घर से अच्छा अच्छा नेचुरोपैथी ओके की प्रैक्टिस करती हूँ, ओके ओके एक्यूप्रेशर सुजुक एक्यूपंक्चर सब करती हूँ मैं घर से। अच्छा, अरे वाह, आप तो तो डॉक्टर हो ऑलरेडी फिर। एंड हाउस वाइफ भी हूँ, तो बच्चे दो बेटियां है मेरी घर की बड़ी बड़ी, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तो होती यू है, नो बिल्कुल बिल्कुल। यस 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 माय मदर इन लॉ इज देयर, सो आई हैव टू यू नो टेक केयर ऑफ एवरीवन। पर बहुत अच्छा लगा मैम, आई वांटेड टू लर्न न्यू दिस क्रोनोलॉजी, आफ्टर सम टाइम आई डेफिनेटली कम टू यू अगेन। श्योर, नो इश्यूज, थैंक यू या रियली राजी, रियली हैप्पी, थैंक यू माय डियर, थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू डियर।
थैंक यू सो मच, यू आर सो स्वीट, यू आर वेरी स्वीट माय डियर, थैंक यू जी, यू टू स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू माय डियर, थैंक यू माय डियर, चलो जी, हाँ जी, हैंड रेस क्यों है, क्या हो गया, चेतना जी दसो, आज का मूड तो सबका ही जैसे रोना रोना वाला है, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक किसान के प्लेटफॉर्म जो है ना, ये बहुत गहरा समंदर है, बस इसमें हमने एक डुबकी लगाई है, आगे बहुत सारी ऐसी डुबकियां लगाते जाएंगे और आपके साथ बहुत सारा ज्ञान भी बटोरेंगे, तो सबकी ओर से मैं आपसे एक वादा अब से चाहती हूँ, हम तो करेंगे ही, लेकिन आपसे भी एक वादा चाहती हूँ, दो लाइनें बस आपके सामने पेश करूंगी, हो सके तो सब जन प्लीज मेरा साथ दो, मैम प्लीज सबको अनम्यूट कर दो, सब अनम्यूट हो सकती है, शोर मत करो, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़े, आप देना साधन बस आपकी कृपा हमेशा बनाए रखिए मैम, हम और एसआरके की वजह से बहुत सारे प्योर सोल्स से हम मिल पाए हैं, तो उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू, साथ आगे ऐसे ही चलता रहेगा। साधना जी, मैं भी दो लाइंस बोलती हूँ आज आपके लिए, मैं दो लाइंस बोल रही हूँ, प्यार का जज्बा, सुनिए, प्यार का जज्बा नया रंग दिखा देता है, प्यार का जज्बा नया रंग दिखा देता है, अजनबी चेहरे को महबूब बना देता है, अभी तक हम अजनबी थे, लेकिन आपसे मिलने के बाद बहुत ज्यादा सबसे प्यार हो गया, थैंक यू, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, अरुणा जी तो काफी रोमांटिक है, अरुणा जी है, अरुणा जी यस मैम, क्या रेट ऑफ बर्थ है अरुणा जी आपकी, 3rd April 1950 आपने बताया कि हम नहीं संगीत में तो रहते हैं ना, हाँ राइट राइट, हाँ मैम आपका दिया हुआ धन्यवाद मैम, आपने आपने चेतना जी ने बड़ा ही अच्छा सॉन्ग गाया, थैंक यू चेतना जी, एंड आई विल ऑलवेज बी देयर, आई प्रॉमिस, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है आप आधी रात को भी मुझे कॉल कर सकते हो, आई विल ऑलवेज, मैम मैंने कोशिश भी किया है, मैंने आपको वॉइस सुना था, आपने सुना ही नहीं है, सॉरी सॉरी डियर, मैं पक्का गोद छू सकती हूँ, पता है मैम उसमें ना आपने हम लोग को कुछ ऐसा है, आपने हम लोग को प्रेडिक्शंस करना सिखाया है, लेकिन अंदर से जो आवाज आके हम लोग जो प्रेडिक्शंस कर रहे हैं ना, वो आपको मैंने रिकॉर्डिंग भेजा है मैम, वो लैंड प्रेडिक्शंस का है, अच्छा लैंड प्रेडिक्शंस का, तो मैंने आपको वो भेजा था, और वो उस जो प्रेडिक्शंस आपने हम लोग को दिया, वो प्रेडिक्शंस के वजह से आज ना हम लोग ने एक लेवल थोड़ा सा आगे जाके कर पा रहे हैं मैम, एंड ये सारी चीज आपका दिया हुआ दिन है, और हमारे न्यूमोलॉजी का क्लास के लोग तो सब बहुत अच्छे, मैं सच भी बता रही हूँ, मैं इतने सारे आपके क्लास बोट कैंप्स बहुत सारे अटेंड किया, लेकिन ये क्लास जैसे कोई नहीं है, सब लोग कितने अटैचमेंट है, सब लोग कितने अच्छे हैं, बिल्कुल बिल्कुल आरती जी, ये ग्रुप सच में बहुत अच्छा, हैंड्स ऑफ, एवरीवन इज ट्राइंग टू प्रेडिक्ट आउट ऑफ लेवल जाके, आउट ऑफ बॉक्स जाके आप लोग प्रेडिक्शन कर रहे हो, मजा आ रहा है मुझे भी देख के कि मेरे बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं, गुरु गुरु अच्छी मिल गया ना, तो चेला तो चीनी थोड़ी ना रहेंगे मैम, फिर वो भी गुड़ ही बन जाएंगे, इसीलिए यही है मेरा भी रिक्वेस्ट, ये पर्सनल रिक्वेस्ट है, और सबके साथ का ही रिक्वेस्ट, ये सोच लीजिए मैम प्लीज, हमें कभी भी जिंदगी में हम लोग कभी भी स्टॉप करते हैं, तो आप हमारे साथ मत छोड़िएगा, प्लीज हमें हेल्प कीजिए,
यही हमारा करो भाई, बुलाओगे क्या तुम लोग मुझे? मतलब सब सोच के आया मैम को बुलाना है। मैं अपने बच्चों के साथ बहुत कनेक्टेड रहती हूँ एंड आई मैम मैम रुलाएंगे नहीं मैम, सबके इमोशंस बाहर आ रहे हैं सबके। मैम मैं उम्मीद रखूंगी कि आप दार्जिलिंग घूमने आओगे। क्या कराऊंगी? दार्जिलिंग आओगे आप? अच्छा दार्जिलिंग आ यार, डेफिनेटली आई विल कम, इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी। आऊंगी आऊंगी मैं दार्जिलिंग आएंगे और मुझे याद जरूर करेंगे। ऐसे तो मैं आपके साथ अभी हूँ, मैंने मास्टर कैंप ज्वाइन कर लिया है आज बिन्नी मैम का क्लास से। अच्छा तो आप अकेडमी हूँ? अच्छा अच्छा ओके, ज्वाइन कर लिया है मैं तो हूँ ही, लेकिन फिर भी एक ये क्लास के जैसा मुझे कनेक्टिविटी मिलेगा नहीं मिलेगा मैं नहीं जानती हूँ। यहाँ आती हूँ तो मैं बहुत नहीं नहीं बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, पॉजिटिव सोचो। Vinny is also मजा आएगा आपको उनके साथ पक्का। मैम थैंक यू सो मच मैम, आपने जो दिया थैंक यू वर्ड्स बहुत बहुत कुछ दिया कि आज हम लोग नंबर हमें बताती है कि बातें रास्ते में चलते चलते ऐसा बोलता है कि नंबर बोलो साधन मैम ने सिखाया है बोलो ऐसा होता है। थैंक यू मैम, ग्रेट ग्रेट आरती, ग्रेट। माय इवनिंग मैम। माय इवनिंग प्रिया जी, क्या हाल चाल? मैम बिल्कुल बढ़िया। आप बोलो कोई शेर सुनाओ, आप भी आज शेर सुना रहे हैं सब लोग। मैम शेर लेट नहीं आता मुझे, आपका क्या एक्सपीरियंस है हमारे साथ? आपको तो कहीं बोलने की जरूरत नहीं, आप तो कितनी बार ग्रेटिट्यूड दे चुके हो। मैम जितना भी बोलूंगी कम है, बट सच में आप बहुत एफर्ट लेते हो मैम, एंड यू हैव लॉट ऑफ पेशेंस, और जितना आप हम लोगों को झेलते हो ना सारी क्लास को, हैट्स ऑफ टू यू। और सच में आप जैसे भी आप पढ़ाते हो, आई थिंक आई हैव मेट लॉट ऑफ मेंटर्स, मैंने कोई ऐसा मेंटर नहीं देखा जो इतना एफर्ट लेके एक एक बच्चे को समझाता है और पढ़ाता है इतनी क्लास में। और बिना बिना टाइम देखे मैम 12 बजा देते तो भी देखते। आई नो 12 बज जाते, मैं देखती हूँ घड़ी 12 बज रहे, मैम को नहीं सोना है। और कितनी बार तो मैम से मेरी सुबह भी बात हो जाती है 7:15 बजे, और मैम फोन उठाती है, मैम जवाब देती है कुछ पूछना होता है तो। एंड वाकई यही बोलना चाहिए कि यू आर अ ब्लेसिंग फॉर अस, और एंड कीप ब्लेसिंग अस इन सम वे और दी अदर। ये क्लास जरूर खत्म होने वाली है, बट ये नहीं सोचेंगे कि यही खत्म हो गया, कुछ ना कुछ चलना चाहिए। तो मैम कुछ ना कुछ नया लाते रहना, ताकि आपके साथ ऐसे ही हर क्लास में जुड़े रहें किसी ना किसी वजह से। तो एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर एफर्ट्स एंड ऑल योर टीचिंग्स। अभी तक तो कुछ बचा नहीं है जो मैंने छोड़ दिया है, और हाँ एक आध बीच में मिस कर दिया है, अभी आई वॉज ट्रेवलिंग तो एक कोर्स वो भी मिस कर दिया है, बट हाँ आपका पढ़ाया हुआ इज गिविंग गुड रिजल्ट्स, एंड आई एम हैप्पी बिकॉज अदर्स आर ऑल्सो हैप्पी इन रिटर्न। और बस और मैम सबसे अच्छी बात है क्लास में इतने अच्छे अच्छे जने मिल गए, तो कुछ ना कुछ नया आपको लाके जरूर सामने रखेंगे आपके बहुत जल्द। देखो I'm looking forward for that, और मुझे पूरा यकीन है कि ये बैच जो है ये रिसर्च वाला बैच है, तो definitely मेरे भी you know, एक तरकश में तीर ऐड होगा आप लोगों के रिसर्च से। हाँ मैम कुछ ना forward. कुछ आपको ऐसे मिलेगा कि आप बोलोगे ये क्या किया है ना, तो ऐसा कुछ दिमाग लगा रहे हैं कि कुछ ऐसा कुछ मिले। देखो भगवान, बाकी तो भगवान की इच्छा है क्या होगा, बट एवरीबडी इज नाइस, एक दूसरे की हेल्प करने में हम सब लगे हुए हैं, तो सबसे अच्छी बात है। I can see that and I'm really happy for that. मतलब जैसे ही कोई DOB डालता है तो ऐसे लगता है बस वो DOB की हमने पूरी ले लेनी है, DOB की मतलब जान ले लेंगे पूरी DOB की ना, उसको कुछ हो या नहीं हो सबने लिखना है कुछ ना कुछ ऐड करना है। आप लोग तो बट मैम अच्छा है ना कि कोई साइंस हमें ऐसी आती है जो किसी को नहीं आती, वो DOB से ही सारा खेल हो जाता है, इट इज सो इंटरेस्टिंग मैम। इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे बच्चे, मेरी डॉटर शुरू हो गई है नंबर के साथ ना, उसका भी दिमाग चलने लगा है वहाँ, तो सबके बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं देख पा रही हूँ
वो बोलती मम्मी जो सारा दिन मैं सुनती हूँ आपको बोलते हुए वही मुझे भी आएगा ना, तो मैंने कहा चल ठीक है तू भी कर ले, तो अच्छा है। मैम स्पेशली पंकज जी के क्वेश्चन बड़े अच्छे होते हैं, उनसे मुझे बड़ी हेल्प मिलती है। हाँ बिल्कुल सही बात, पंकज जी इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते हैं, स्पेशली मिसिंग नंबर के, जो मुझे बहुत कंफ्यूज करते थे और मुझे उसके आंसर मिल जाते हैं कि हाँ इनको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। चलो गुड गुड गुड। सामिर जी बोलो। ओम साईराम मैम, सच में मुझे साईराम साईराम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे एक अच्छे टीचर के साथ और अच्छा ग्रुप मिला उसके वजह से, कि एवरीडे अपडेट तो होता ही है मैम आपके पास। मतलब मैं आपको अभी क्या बताऊं, लास्ट वीक में मेरे 4 कंपनीज में सिलेक्शन हो गए, ऑफर लेटर आ चुके हैं। वाओ मतलब मैंने चलो चलो अभी टैरो का तो हो ही गया है, चलो इंटरव्यू देख के देखते, तो एस्ट्रो सेज, एस्ट्रो टॉक, एस्ट्रो योगी, डिवाइन में और बॉडी में भी फाइनली हो ही गया है। मतलब 5 जगह पे तो हो ही गया है सिलेक्शन। अभी नेक्स्ट वीक ज्वाइनिंग करना है, अभी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ ज्वाइन करूँ, ऑफर्स ज्यादा है तो अभी मैं वही सोच रही हूँ, अभी 1-2 दिन में तो फाइनली बता ही दूंगी। तो मतलब ये सब आपकी वजह से, मतलब आपके मतलब मेरे लाइफ में इसमें लाइफ चेंजिंग गुरु जो रहेंगे, तो आप गुरु माँ विनी मैम आपके प्लेटफॉर्म में जो सारे लोग, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक एक टीचर महान है, सब लोग महान है, तो ये ग्रेटिट्यूड, ये क्रेडिट सब टीचर्स को जाता है। सच में मुझे पता भी नहीं था कि मैम, और इंटरव्यूज भी बहुत हार्ड हो रहे थे, और एक एस्ट्रो सेज में एक लड़की, मतलब वो एचआर ने क्वेश्चन पूछा कि जैसे कि मेरा मतलब बॉयफ्रेंड के साथ ऐसा ऐसा है, तो ये क्या करे, ये क्यों वो मुझसे कॉन्टेक्ट क्यों नहीं कर रहा है। उसका नाम था मैम हेमंत था, वहां पे मैन साउंड आ गया, ANT साउंड आ गया, तो मैं कार्ड्स में शफल भी कर रही थी, और उसके बाद मैंने उनको बताया, वो कार्ड भी मैम वैसे ही आया था, आपका बॉयफ्रेंड तो बहुत हार्ड वर्किंग है, तो उसका पहला प्रायोरिटी करियर ही होगा, उसके बाद में वो आपको टाइम देगा, उसका पहला फोकस पैसे के ऊपर ही रहेगा। तो उसने बोला हाँ करेक्ट बोल रहे आप। क्रोनोलॉजी हो गया, टैरो कार्ड हो गया, सब मतलब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, तो मतलब शॉर्ट रीडिंग में भी मतलब क्या बोलते हैं कि कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाते हैं। मतलब 4-5 राउंड हुआ थे इंटरव्यूज के, तो मतलब इंटरव्यू कितना भी टफ था लेकिन मैंने दिया, हो गया बाय गॉड द डिवाइन ब्लेसिंग्स, और आपके मतलब नॉलेज के वजह से, ब्लेसिंग के वजह से मेरा हो गया सच में। और गुरुमा भी जो भी रेमेडीज जो बताती है, वो रेमेडीज का कहाँ पे काम आए पता नहीं, लेकिन वो वर्क वर्क करते ही है। ऐसा नहीं है कि एक टीचर का, मुझे तो सारे टीचर्स के ही मतलब नॉलेज का, मतलब बिफोर 6 मंथ मुझे ऑफर साइज का वो भी पता नहीं था, लेकिन आफ्टर 6 मंथ में देख रही हूँ कि हाँ, मैं 4 जगह पे इंटरव्यू मेरा क्रैक हो गया, तो हाँ मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ। Okay, that's great, really great, Soumya ji, so happy for you, God bless you, keep rising. और मतलब मैंने पर्सनली मतलब 4-5 भी ऐसे ही पर्सनल प्रेडिक्शंस किए थे पेड़ में, तो वो भी सही गए। Okay, very good, चलो great, great, Soumya ji, God bless you, आगे बढ़ो, नाम रोशन करो अपना भी हमारा भी। Yes ma'am, thank you, चलो great, great. चलो तो फीडबैक सेशन इसलिए लिया स्टार्टिंग में कि आप लोग सबको ये मिले कि पुश मिले, एक यस अगर वो कर सकते हैं तो इन्होंने भी मैम से सीखा तो हम भी कर सकते हैं, है ना। और ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे जो तो स्टूडेंट्स हैं पहले से कुछ सीखा, मतलब सौम्य जी भी रॉ आई थी हमारे पास, जितने भी स्टूडेंट जो अभी बता रहे हैं कि यस जॉब लग गई, अच्छा कर रहे हैं, इन सबने फर्स्ट टाइम SR के प्लेटफॉर्म से ही सीखा है, तो आप भी कर सकते हो, राइट। सिर्फ आप लोगों को थोड़ी सी अपनी रिसर्च, थोड़ी सी प्रैक्टिस बढ़ानी है, तो कुछ पॉइंट्स मैं आज आप लोगों को बता देती हूँ और कैसे अपने आप को आपने ग्रो करना। सबसे पहले किसी का भी चार्ट आता है अपने पास, ठीक है, आपने हमने क्यों 7 टाइप्स ऑफ न्यूमेरोलॉजी एक साथ सीखी है, हमने इस वजह से सीखी है क्योंकि हम एक पर्सन को DOB के हिसाब से, सबसे पहले तो उसको हमने अपने वैदिक के हिसाब से तो बताना है क्या योगा है उसके चार्ट में, क्या BN है, कॉम्बिनेशन यूज करने हैं, मल्टीपल नंबर यूज करते हैं, बट आपको कोई मेडिकल इश्यू दिख रहा है आप बोलो, मे बी वो पर्सन आपके पास अपना करियर पूछने आया है, बट इफ यू कैन सी दैट दिस योगा इज वेरी स्ट्रॉन्ग, आप बोलो उसको कि आपको ये हेल्थ इश्यू है,
कि आपके घर में ये प्रॉब्लम है, आपकी मदर को प्रॉब्लम है, आपके फादर को प्रॉब्लम है, हमने ये चीजें भी करी है ना, आपकी अपने सिस्टर से नहीं बनती, आपके ब्रदर से नहीं बनती होगी, आपको प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम आती होगी, जो भी हमने कॉम्बिनेशन करी है, आप यू शुड से, चाहे वो आपसे पूछे या ना पूछे, क्योंकि जब वो पर्सन आपके, जब वो कभी उनको ये लाइफ में प्रॉब्लम आएगी तो सबसे पहले आप ही को याद करें, और मोस्टली के साथ तो वो इशू हो चुका होता है, क्योंकि जितने भी लोग हमारे पास आते हैं यार 30+ तो ऑलमोस्ट ट्रांसफॉर्मेशनल एज हो चुकी होती है और काफी दशाएं निकल के जा चुकी होती है, ठीक है। उसके अलावा हमने न्यूमरो वास्तु करा है, आप उसके घर की डायरेक्शन बताओ उसको कि आपकी डायरेक्शन में ये प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अगर डेट ऑफ बर्थ से आपने डायरेक्शन बता दी, वो पर्सन आपके फैन हो जाएंगे, चरण स्पर्श हो जाएगा, फोन पे ही जाए। मोबाइल नंबर देखो, मोबाइल में क्या प्रॉब्लम दिख रही है वो बताओ, हो सकता है उसके ग्रिड में ये इशू ना हो पर मोबाइल नंबर से दिख रहा हो, हमने मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी करी है। उसके अलावा उसका नेम देखो, नेम तो चलो ठीक है हमने शाल्डियन करा है, यहाँ पे क्रोनोलॉजी कभी करेंगे तो करेंगे, लेट्स सी दैट, लेकिन नेम से भी आप लोग उसको मास्टर नंबर पे ले जाना है, और अभी नेम कौन से कंपाउंड पे है, वो क्या प्रॉब्लम दे रहा है, तो हमने ये चीज कंपाउंड में भी पढ़ी है ना, तो वो भी आप उस पर्सन को बता सकते हो। सबसे पहले लेकिन अपने आप को कैसे ग्रो करना है, अपने आप को डेली आपने पॉजिटिव एफर्मेशन दो, मिरर में देख के बोलो कि आई एम ग्रोइंग इन टू दिस फील्ड, आई एम मोस्ट लकी पर्सन, हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखना है लाइफ में कुछ भी हो जाए। और जितने भी लोग ये बोलते हैं कि मेरे को रिलेशनशिप इश्यू हो रहा है, मतलब आई एम नॉट एबल टू ग्रो बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप, तो लेट मी टेल यू, जितने भी लोग ऑकल्ट साइंस में आज हाइट्स पे हैं उनको रिलेशनशिप इश्यूज हैं, अंदर की बात बता रही हूँ आप लोगों को, कम से कम मैं ऐसे 25-30 लोगों को जानती हूँ जो इस टाइम हाइट्स पे हैं, और ऐसा किसी कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको रिलेशनशिप इशू ना हो, इंक्लूडिंग मी, है ना। तो रिलेशनशिप इशू तो यू नो वरदान है ऑकल्ट साइंस के साथ, तो डोंट टेक इट लाइक इन द अदर वे, ठीक है, अपने पे फोकस करो, क्योंकि आप अगर इस दुनिया में आए हो तो आपके पास हक है हर चीज को एंजॉय करने का, इंडिपेंडेंट होने का, और लाइफ में कुछ अर्निंग स्टार्ट करने का, ठीक है। और अर्निंग आप स्टार्ट कर सकते हो अगर आपने DOB को अच्छे से पढ़ना सीख लिया, कॉम्बिनेशन अगर आपको बाय हार्ट लर्न हो गए, और वो हो जाएंगे अगर आपने 100 चार्ट देख लिए हो तो, है ना। तो आप देखोगे कि आप डेट ऑफ बर्थ से इतना बता रहे हो सामने वाले को, तो आपको कंसल्टेंसी तो वहां पे आएगी ही आएगी, और जो आजकल कितने सारे सेमिनार्स हो रहे हैं, जाओ उनमें डाटा इकट्ठा करो, अपना टैलेंट दिखाओ वहां पे, लोगों के साथ इंटरेक्ट करो, है ना, आगे बढ़ोगे ही बढ़ोगे। आज मैं आप लोगों को एक एस्ट्रोलॉजी का सूत्र भी देने वाली हूँ कि आपको कौन सी डायरेक्शन में बैठना चाहिए, ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले लेकिन कर्म प्रधान बनो, अगर हम एस्ट्रो की बात चलो चली रही है, तो आप लोगों को पता होगा कि काल पुरुष की जो कुंडली होती है उसमें जो 10th और 11th हाउस होता है, दैट इज कर्म का भाव, 10वां भाव है कि आपको, आप कितना कर्म करोगे, और 11वां भाव क्या बताता है कि उस कर्म से आपको कितने गेन्स हो, ठीक है। तो जब तक आप, सबसे पहली बात तो कर्म करने जरूरी है, ऐसा नहीं है कि आप घर बैठे हो तो आपको कोई काम दे देगा, यू हैव टू वर्क फॉर इट, इवन कोई अगर हाइट्स पे है तो भी वो काम कर रहे हैं तभी उनको आज काम मिल रहा है। अगर मैं भी अगर 1 महीना वेबिनार नहीं करूंगी, नोबडी विल कम एट माय प्लेस टू लर्न, है ना। तो कर्म तो करने ही करने हैं, लेकिन उन कर्मों के गेन्स हो, है ना। तो दैट इज योर 11th हाउस, 11th हाउस इज फॉर एक्वेरियस। एक्वेरियस साइन क्या बोलता है, एक्वेरियस साइन हमें ये बताता है कि आपके मतलब आजकल तो खैर ऑनलाइन बहुत ज्यादा बढ़ गया, लेकिन एक्वेरियस पहले के टाइम में जो एक्वेरियस राशि है, दैट रिप्रेजेंट योर फीट, फीट मतलब कर्म करने हैं, पैरों को काम चल देना है, है ना। पहले तो मेहनत से ही काम होता था, आजकल तो दिमाग से काम होता है, तभी आजकल राहु वाले लोग इतने ग्रो कर रहे हैं। आप देख पा रहे हो जिनके चार्ट पर राहु का बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है, वो लोग बहुत ग्रो कर पा रहे हैं। क्यों ग्रो कर पा रहे हैं, क्योंकि दिमाग से आजकल पैसा कमा सकते हो आप, ठीक है। तो जितने भी जोडियक साइन वाले हैं, मैं बोलूंगी कि जेमिनाइज, लिब्रंस, एक्वेरियंस, 4 नंबर वाले लोग, आप लोग तो इतने दिमाग वाले हो, जुगाड़ू हो, तो ग्रो योर सेल्फ इन दैट ऑल्सो, ठीक है। चैट बॉक्स में क्या आया है, यू आर नॉट ओनली अ मेंटर, रादर यू आर अ गाइड एंड इंस्पिरेशन, ऑल मोल्डेड इनटू वन पर्सन, आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल, थैंक यू डॉक्टर पल्लवी, थैंक यू मैम फॉर ईच एंड एवरीथिंग, आवर क्लास मेट्स आर रियली वेरी नाइस, ऑलरेडी आई न्यू एस्ट्रोलॉजी,
But in some cases, where they can integrate, help me a lot. I have changed my client's mobile number and they were happy to change. So thanks a lot. Okay, that's great, Neena ji. Neena ji already astrologer hai. So Vedic numerology ne definitely help kiyogi. Neena ji, unmute karo. Chalo, sabko testimonial do apna. Kya kya change kara? Aur astrology se numerology mein kya kitna aapko farak laga? बहुत अच्छा लगा मैम. मैंने मैंने सोचा नहीं था कि मैं एस्ट्रो के बाद में कुछ सीख पाऊंगी, बट मुझे पसंद है, मतलब नई नई मॉडलिटीज को जानना, अच्छे टीचर्स के साथ में कांटेक्ट मतलब करके वो कैसा मतलब प्रिडिक्ट करते हैं, किस तरीके से मतलब अपने नॉलेज को स्प्रेड करते हैं, ये सीखना मुझे पसंद है. और जब तक हूँ मैं तब तक तो सीखना पसंद करूंगी मैम, क्योंकि ये फील्ड कैसा है, मैं बेसिकली टीचिंग फील्ड से थी, मतलब मैं डीएड बीएड कॉलेज में प्रिंसिपल थी और अच्छा. कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे थे कि जिसके वजह से मैं जहाँ कहीं भी मतलब मैंने जॉब किया तो मैं बहुत ज्यादा सच बोलने के वजह से मैम मेरी नौकरियां टिकती नहीं थी. तो उसमें फिर कैसा था, और मतलब मैं आज भी ऐसी ही हूँ कि चाहे मैं आइसोलेटेड हो जाऊं, कोई मुझसे बात करे या ना करे, परंतु मैं अपनी सत्य बात से बिल्कुल हटती नहीं हूँ. और इसका मुझे मैम बहुत ज्यादा फायदा हुआ कि मतलब मेरा इंट्यूशन लेवल बहुत अच्छा हो गया और मुझे ना बिल्कुल ऐसा कहीं लगता है कि कोई एनर्जी मेरे साथ में है जो मुझे हर पल मेरे साथ मतलब मुझे एक रास्ता दिखाती है. और कई बार मेरी बोले हुए प्रिडिक्शन भी सही हुए. और मैंने आपसे पहले दिन भी कहा था कि मैंने आपका वेबिनार अटेंड करने के बाद जब आपने मुझे 178 कॉम्बिनेशन मेरे उसमें डेट ऑफ बर्थ में बताया था कि आपका मतलब इंट्यूशन लेवल बहुत अच्छा है, तो ये बात तो केवल मेरे घर के लोग और मेरे क्लाइंट ही जानते थे मैम. कि आपने मुझे उसके बाद जो एक अननोन पर्सनालिटी जिसने मुझे ये बताया, तो ये बात मुझे अच्छी लगी मैम. तो मेरे पास उस समय इतने पैसे नहीं थे आपका कोर्स ज्वाइन करने के लिए, बट मैंने सोचा नहीं, मैं इनका 100% ज्वाइन करूंगी. और इसीलिए फिर मैंने आपका कोर्स ज्वाइन किया. और मैंने ना एक राव करके सर थे उनका एक्चुअली ज्वाइन करने का सोचा था, लेकिन वो मैंने नहीं किया. तो मुझे बाद में ऐसा लगा मैम कि नहीं, शायद यही एक राइट प्लेस थी कि जहां पर मैं कुछ अच्छा सीख सकूं. और आपके कंटेंट्स भी बहुत अच्छे थे मैम. जैसे अभी कैसे हैं कि कई वेबिनार होते हैं, आपने कई भेजे बट मैं उसे अटेंड नहीं कर पाई, बट उन सभी से मैंने ये समझा कि कोई भी एक चीज अच्छे से यदि आपके पास से सीखी जाए या किसी भी टीचर के पास में अगर हम प्रैक्टिस करते हैं और हमारा इन्वॉल्वमेंट रहता है ना मैम, तो हम बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से प्रिडिक्ट कर पाते हैं. क्योंकि कुछ अभी कल परसों मैंने एक कॉम्बिनेशन देखा था, उसकी डेट ऑफ बर्थ थी 22 अप्रैल 1998, ये मतलब लेडी का. और बिल्कुल इसका मैंने ग्रिड बनाया मैम, तो 3 times 2 आया, 4 मतलब 4 दो बार रिपीट हुआ. ADMD से ना 8 3 times रिपीट हुआ. तो बिल्कुल मैंने 284 कॉम्बिनेशन देखा. और आपने जैसे बताया था कि इसको बर्थ प्लेस से दूर चले जाना चाहिए, इसको बहुत प्रॉब्लम हो सकती, तो मैं अभी बताए क्या करती हूँ, मैं होरोस्कोप भी बनाती हूँ और आपका ग्रिड भी बनाती हूँ, लोशू से भी उसको टैली करती हूँ, इसके बाद में उसका नाम प्रॉपर है या नहीं है ये भी चेक करती हूँ. और बेशक मैं पैसे बहुत ज्यादा नहीं लेती मैम, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को इस मतलब मोडेलिटी के बारे में जो कंफ्यूजन है, उन्हें ऐसा लगता है कि लोग रुपया कमाने के लिए झूठी बात बताते हैं या ये साइंस नहीं है. तो मैं चाहती हूँ मैम लोग मुझसे जुड़कर ये बात समझे कि ये एक साइंस है और इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट है, यानी इसको गलत वे में नहीं लेना चाहिए. तो इसके लिए हमें अपना नॉलेज इतना ज्यादा अपडेट रखना पड़ेगा जिससे कि हम जो बात बोले इतने कॉन्फिडेंस से बोले कि सामने वाला उस बात को माने, तो मैडम फिर आपके पास सीखने का कोई मतलब रहेगा. अदरवाइज ऐसे छोटे मोटे प्रेडिक्शन तो कोई भी सीख के दे लेता मैडम, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं. तो आपके पास सीख के मुझे अच्छा लगा, काफी चेंजेस आए, काफी अच्छा लगा मैम. थैंक यू. एस्ट्रोलॉजी से ज्यादा अच्छी प्रेडिक्शन हम लोग वैदिक न्यूमरोलॉजी से कर सकते हैं, मतलब ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगी पर इक्वली उतनी अच्छी नहीं मैम. कोई बीच में ना जैसे एस्ट्रो में कई बार क्या हो जाता है, कुछ कॉम्बिनेशंस में ना हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं. जैसे कई बार मैम ऐसी कोई होरोस्कोप आती है कि आपको सब आने के बावजूद भी ना हम उसे प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, तो वो समझ में आ जाता है कि बहुत ज्यादा निगेटिविटी है और अपन यानी उसमें नहीं बोल पाएंगे. तो मैम उसमें ना ये वैदिक ग्रिड मेरे बहुत काम में आई, न्यूमरो ग्रिड भी मेरे बहुत काम में आई, और खास करके दशाएं जो थी ना मैम, तो वो दशाएं भी अपनी टैली हो गई ना,
जो हमने अभी यहाँ से आपने, हाँ जी मैम, उसमें ना, हाँ, और उसमें एक फायदा क्या हुआ ना मैम, जैसे आपने बोला ना बी एन डी एन की भाई रेमिडीज दे दो, बस वो तुरंत दे दिया और फटाक से, अब ना वो यानी इतना होरोस्कोप उतारने की इच्छा नहीं होती है, अब सीधा मतलब बना लो अपना चार्ट, उसमें क्या क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है देखो, और फटाक से ए डी एम डी निकाल दो और 10-12 चीजें वहीं पर उसको बोल दो, तो उसमें क्या हो जाता है, समय भी बचता है और बहुत सारी बातें इलेबोरेट करने के लिए अपने पास में रहती है, तो ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा मैम। यानी मैं बहुत सीरियसली मतलब वो ये क्लास नहीं कर पाई, कुछ कुछ बार जैसे अटेंड नहीं कर पाई, बोल भी नहीं पाई आपसे, लेकिन फिर भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि मैम आपसे जुड़कर बहुत अच्छा लगा। हमारे क्लास के सभी जितने भी सीखने वाले हैं वो सभी लोग बहुत अच्छे हैं, कभी कभी हमने डाले उसमें कुछ डीओबी जिससे कि मतलब वो हाँ सॉल्व करे या बता दे हमें कुछ रेमेडीज, तो उन्होंने हमें काफी कोऑपरेट किया, तो ये भी बहुत अच्छी बात रही कि हाँ नहीं करके हम जो भी प्लेटफॉर्म में हम जुड़े, तो शायद हमारा जुड़ना मतलब वो तय था मैम, इसीलिए हम दूसरे प्लेटफॉर्म से इस प्लेटफॉर्म पर आ गए मैम, और वो हमारे लिए बहुत बिल्कुल फायदेमंद रहा। तो थैंक यू सो मच कि बहुत अच्छे अनुभव आए, और मैं चाहूंगी कि आगे भी अगर मुझे ऐसा लगे कि मैं कुछ और आपसे सीख सकती हूँ तो मैं जरूर ज्वाइन करूंगी मैम आपको। थैंक बिल्कुल बिल्कुल नीना जी, लुकिंग फॉरवर्ड, गॉड ब्लेस यू, कीप राइजिंग। यू मैम, उनकी थैंक यू सो मच मैम, भी थैंक अच्छी पॉजिटिव दशाएं चल रही होती हैं, वही जुड़ते हैं हमारे साथ। यू। मेरी तो राहु की चल रही थी मैम, मैं तो इतने कंफ्यूजन में आपसे जुड़ी हूँ यानी मैंने इसलिए कहा ना कि मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब मैं इतनी सिंसेरिटी से बैठने वाली, लेकिन जैसे राहु आ गया ना, साल भरे का था, अभी 18 जुलाई को खत्म हो जाएगा, मेरा बुध शुरू हो जाएगा, तो मुझे इतना पता है कि उसके बाद मेरा बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, तो अभी आप रिसर्च कर रहे हो ना बुध के लिए, आप तैयारी कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, यानी मैं ये सारी चीजें सीखूंगी और बिल्कुल अपना और बहुत अपडेट कर लूंगी मैम मैं आगे चल के। ग्रेट जी मैम, थैंक यू जी। मैम। वंदना मित्तल जी, बताओ हैंड रेज है इनका। वंदना जी बोलो। मैम मेरा क्वेश्चन है कि मेरे हस्बैंड का ना 284 कॉम्बिनेशन है, तो हम जैसे वो यूपी में बॉर्न है तो, और अब हम दिल्ली में रहते हैं, तो हमने लेकिन वहां पे पितरों का स्थान बनाया है, तो हर महीने मेरे हस्बैंड वहां पे माथा टेकने जाते हैं दिया लगाने, तो मतलब अच्छा ये इट्स ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हाँ, इट्स गुड इट्स गुड। मतलब वहां पे रहना हाँ नहीं है लेकिन वहां पे जा तो सकते हैं ना कभी कभी, मेरा क्वेश्चन ये हाँ था। जा तो आप सकते ही हो, बिल्कुल जा सकते हो। अपनी अच्छा वर्क अच्छा प्लेस से दूर उनका वर्क प्लेस होना चाहिए। 284 के कॉम्बिनेशन में आप ये भी देख करवा सकते हो दैट योर वर्क प्लेस शुड बी अवे फ्रॉम योर वर्क प्लेस। अगर अगर हाँ होम टाउन नहीं चेंज हो सकता तो वर्क प्लेस दूर हो जाए, और वर्क प्लेस दूर हो जाए सॉरी, बिकॉज मेल ठीक ज्यादातर टाइम अपनी वर्क प्लेस पे बिताते हैं। है, ओके ओके मैम, थैंक यू मैम। पंकज जी बोलो, बस वी आर अबाउट टू स्टार्ट नाउ। दसो पंकज जी, अच्छा चलो आई थिंक बिजी हो गया। चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, आप लोगों की क्वेरीज भी ले लेंगे। अच्छा, आज हम लोग रिपोर्ट भी करने वाले हैं। रिपोर्ट भी हम लोग जो करेंगे ना, हम सॉफ्टवेयर वाली नहीं करेंगे, मैं तो हैंड जनरेटेड रिपोर्ट देती हूँ लोगों को, क्योंकि क्या होता है ना कि सॉफ्टवेयर वाली रिपोर्ट हर डेट ऑफ बर्थ के लिए सेम आएगी, है ना, तो आपको हैंड जनरेटेड रिपोर्ट देनी है हर पर्सन की अलग और डिटेल वे विद रेमेडीज। हमने रेमेडीज बहुत डिटेल में करी है, हमने 4 क्लासेस रेमेडीज की ही करी हैं, आई रिमेम्बर स्टिल ऑल्सो। तो रेमेडीज का तो आप लोगों के पास अभी से भंडार है, तो रेमेडीज डिटेल में दो किसी को भी देनी है, ठीक है। ओके, एक सेकेंड, भारती जी का क्वेश्चन है, प्लीज टेल इफ अ पर्सन हैज 4488 इन चार्ट देन शुड गो फॉर रेमेडीज। भारती जी बिल्कुल जाना है रेमेडीज की तरफ। अब जरूरी नहीं है कि किसी की मनी की दशा चल रही है तो उसको मनी मिल ही जाएगा, बहुत सारी अड़चने भी आती है उस मनी को पाने में। और 4488 है तो आप ये भी सोच सकते हो कि एडिक्शन से मनी, उल्टे रास्ते से पैसा, तो रेमेडी तो करनी है ना। थैंक्स अ लॉट मैम, इट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस टू लर्न वैदिक फ्रॉम यू, लर्न अ लॉट। थैंक यू वंदना जी, पावर चली गई। अच्छा, 4-4 पर ट्रैक करता है, बिल्कुल ठीक है, चलो स्टार्ट करें। पंकज जी आपको कुछ बोलना है, आपका हैंड था, रेज क्यों लेकिन है, यानी कॉल आ गई, भूल गया मैं क्या पूछने वाला चलो पूछ था। लेना। ओके मैम, थैंक यू। ओके।
चलो। आज हम बात करेंगे पैसे की। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मनी से। मनी आप लोगों की जो एस्ट्रो चार्ट है ना, मनी की रेमेडीज मैं आप लोगों को एस्ट्रो चार्ट से ही दूंगी। ठीक है, दिस इज ईस्ट, वेस्ट, आपके एस्ट्रो चार्ट में कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो भी नंबर होगा आपको उसकी डायरेक्शन फॉलो करनी है। सेकंड हाउस, दिस इज सेकंड हाउस। सेकंड हाउस बताता है कि आपको कितना पैसा आप कमाओगे अपनी लाइफ में। सेकंड हाउस हमारे घर का सुख, बिजनेस, हाउ मच मनी विल यू अर्न। सेकंड ठीक है, अब जिनके भी सेकंड हाउस में 1, 5, 9 आता है, ठीक है, फायरी राशि है, तो डेफिनेटली उनके अंदर एक फायर होती है पैसा कमाने की, एक अर्ज होता है पैसा कमाने का। ठीक है, तो फायर कौन से एलिमेंट से जुड़ती है? इज डायरेक्शन। ठीक है, इनको पैसा ये अपना कमाते हैं, इस डायरेक्शन में इनको अपना बैठना चाहिए, टेबल लगानी चाहिए, चेयर लगानी चाहिए, जैसे भी है, इस डायरेक्शन में बैठेंगे तो ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। जिनका भी सेकंड हाउस में 1, 5 या 9 है वो इस डायरेक्शन में बैठे। जिनका 2, 6, 10 आए वो वेस्ट डायरेक्शन में बैठे। चार आठ बारह आए नॉर्थ में बैठे, 3, 7, 11 आए साउथ में बैठे। सेकंड हाउस की बात कर रही हूँ यहाँ पे मैं। सेकंड हाउस में आपके कोई भी नंबर आ सकते हैं, तो आप इसको फॉलो करोगे तो भी आप पैसा अच्छा कमा पाओगे। ना जैसे मेरा, मैं लिब्रा सेंडेंट है, मेरे यहाँ पे 7 लिखा हुआ आता है जब भी मैं अपना चार्ट बनाती है, तो यहाँ पे 8 हो गया। आई ऑलवेज सिट इन द नॉर्थ, आप लोगों ने देखा है मेरे पीछे नॉर्थ पड़ता है। ठीक है, मेरे ऑफिस में जो नॉर्थ डायरेक्शन है मैंने वहां पे ही अपनी टेबल लगा के रखी है, सो दैट आई कैन स्पेंड माय मैक्सिमम टाइम ओवर देयर। तो आप लोग भी ऐसे इसको फॉलो करोगे कि आप कहाँ पे बैठना है, कैसे अर्निंग स्टार्ट हो, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स यहाँ पर इतनी अच्छी प्रेडिक्शंस कर रहे हैं कि आई एम 100% श्योर कि आप किसी को भी बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं। फेसिंग कोई भी डायरेक्शन हो, हाँ D1 देख लें, फेसिंग कोई भी डायरेक्शन हो, आप योर बॉडी शुड शुड सेट इन दैट डायरेक्शन। अब ऑब्वियसली अगर आप नॉर्थ में बैठ रहे हो तो साउथ ही आएगा ना सामने, तो
सामने आपको जो डायरेक्शन ही आएगी सामने, ठीक है, तो इसको फॉलो करना टू डिसाइड विच डायरेक्शन कैन गिव यू मनी, ठीक है जी। चलो अभी हम डिस्कस करते हैं थोड़ी बहुत 81 कॉम्बिनेशन। मैम मैम इसमें नहीं, बैठने वाले का फेस इस डायरेक्शन में होना चाहिए, फेस भी हो सकता है, बैक भी हो सकती है, योर इधर बॉडी शुड बी इन दिस डायरेक्शन। अरे जैसे मान लीजिए मैम किसी का अगर इस डायरेक्शन मतलब किसी का 159 हो टू में, ठीक है, और वो ईस्ट की तरफ बैक करके बैठे और वेस्ट की तरफ फेस करके बैठे, तो उसके लिए चलेगा? हाँ मैं भी ऐसे ही बैठती हूँ, योर बॉडी शुड बी इन दैट डायरेक्शन। ओके ये फेस कहाँ होना चाहिए ना, ये वाली बात तो खैर मुझे बड़ी कम समझ में आती है, और मोस्टली लोग ये पूछते हैं फेस कहाँ होना चाहिए, यू शुड बी इन दैट डायरेक्शन ना, फेस कहीं पे भी हो। ओके थैंक यू मैम, ये सबको क्लियर, मैं रब कर दूं। आरती बोलो मैम, सपोज सेकंड हाउस में कुछ भी नहीं, मुझको नंबर्स क्या बोल रहे हो आरती जी, का तो समझ नहीं आ रहा, आपका कनेक्शन इशू हो रहा है आरती जी। सेकंड हाउस में यदि कोई नंबर ना हो तो, खाली हो तो, नंबर तो होगा ही, राशि तो होती है, हम तो यहाँ राशियों की बात कर रहे हैं। सपोज एम्प्टी हो तो क्या करेंगे, ऐसा होगा ये जहाँ तक तो एम्प्टी होता रहे, एम्प्टी होता रहे, हमें प्लैनेट से लेना देना नहीं है, एम्प्टी रहे चाहे वो, लेकिन वहां पे कोई नंबर तो लिखा ही होता है, नंबर तो होगा ही होगा, नंबर तो होगा ही होगा, हम नंबर की बात कर रहे हैं। अब प्लैनेट कौन सा बैठा है वो ये डिसाइड करेगा कि आप कौन से प्रोफेशन में जा सकते हो, ब्ला ब्ला ब्ला, उसमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ बॉडी एक साइन की, तो हर एक के राशि होती होती है सेकंड हाउस में, किसी का ऐसा नहीं होगा कि कोई नंबर ही ना हो, नॉट पॉसिबल। हाँ मैं वही पूछ रही थी, नंबर तो होता ही है, जैसे किसी का 3 नंबर्स हो, 2 नंबर्स हो, होता ही है नंबर्स तो, एनी नंबर कुड बी देयर। अच्छा यस मैम, देन वी गो फॉर ओनली फॉर नंबर राइट मैम, या यस यस यस, थैंक यू मैम। सौम्य जी बोलिए। मैम मेरा बर्थ टाइमिंग ना फिक्स नहीं है, उसके वजह से ना मतलब मेरा चार्ट मैंने कभी दिखाया नहीं किसी को, तो जनरली मतलब अपॉर्चुनिटीज के लिए कौन से डायरेक्शन में बैठू सिर्फ? गो फॉर योर डेस्टिनी नंबर इन दैट केस। मेरा डेस्टिनी अभी मैम 6 है। हाँ तो साउथ ईस्ट में बैठो फिर आप, साउथ ईस्ट में ठीक है, लेकिन मैम आपने वो वास्तु में सिखाया था ना नॉर्थ में बैठेंगे तो अपॉर्चुनिटीज आता है करके। देखो वही मैं बोल चुकी, थंब रूल मत फॉलो किया करो, थंब रूल नॉर्थ में रेमेडी जरूर कर दो, पर थंब रूल नहीं है ना कि नॉर्थ हर एक को सूट करेगी। ओके ओके मैम, लेकिन मेरे ना साउथ ईस्ट में ना मतलब बहुत सारे सामान है, वहां पे नहीं बैठ सकती हूँ, तो मेरा नॉर्थ जो है मैं वहां पे बैठ सकती हूँ? हाँ ठीक है, नॉर्थ इज ऑल्सो फाइन। ओके मैम ओके ठीक है, थैंक यू। तो साउथ ईस्ट को क्लीन रखो, अगर आपका वो डेस्टिनी नंबर का डायरेक्शन है, इतना उसको साउथ सामान वामान मत भर के रखो, शुड बी क्लीन। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ओके आई एम गोइंग टू रब दिस नाउ, सपोज किसी का कॉम्बिनेशन है 1 के ही, हम 2-3 कॉम्बिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग इतने एलिजिबल हो कि 81 कॉम्बिनेशन खुद बनाओगे, प्लीज डोंट आस्क मी फॉर स्पून फीडिंग। 1-6 कॉम्बिनेशन है किसी का, बेसिक 1 है, डेस्टिनी 6 है, क्या बोलेंगे, लिखेंगे सब लोग चैट बॉक्स में। अनम्यूट कौन है यहाँ पे, प्लीज म्यूट एवरीवन। iPhone 7G मैडम गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर, मैं कैसा पढ़ाई हो रही है रेडियो से? इकलौता ही शायद होगा स्टूडेंट जो खाली वीडियो पे ही चल रहा है, क्लास में कभी आता ही नहीं, आई थिंक यू नो, एंड कोशिश करता हूँ, आज आज लास्ट क्लास था, मैं लास्ट तो करना ही करना है अटेंड, बट आई एम हैप्पी कि और भी क्लास है, तो चलो आई विल मेक मोर एफर्ट।
एक भी अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं रहा था, मैंने लिया ही नहीं टू डिस्कस एनी ऑफ माई चार्ट. तो एक मेरा चार्ट रहेगा प्रॉब्ली, इफ यू स्पेयर टाइम वी कैन डिस्कस ऑन दैट. बस चलो ठीक है, आज आपका चार्ट लेंगे, आज डिस्कशन करेंगे. चलिए ठीक है, थैंक्स, ब्लेस्ड. क्योंकि शुगर है आप क्लास में आज लाइव आए हो, आप तो रिकॉर्डिंग से पढ़ते हो. चलो थैंक यू सर. रिकॉर्डिंग से समझ में आ रहा है वैसे आपको? हाँ नहीं, रिकॉर्डिंग इज वेरी क्लियर. क्योंकि यू नेवर आस्क एनी क्वेरी, यू नेवर आस्क एनी क्वेरी. तो मुझे भी लग रहा था पता नहीं राजकुमार सर को समझ आ रहा नहीं आ रहा. नहीं नहीं, क्वेरीज काफी आती है, ऐसे नहीं कि नहीं आती. एंड आई एम रियली थैंकफुल टू द ग्रुप. एक बार मैंने मेरे डॉटर का डाला था तो everybody and Pankaj ji was so excited, he went till the stage of offering wine also, you know. तब मुझे लगा यार 8 में wine नहीं, गुलाब जामुन भी हो सकता था, but he just stick to the color of 8 and started like telling that my daughter may like wine. ऐसा नहीं था, but it's really good group, so we get lot of, I get lot of support. मैं काफी कम पूछता हूँ, queries आती हैं, but okay anyway, I'll post it in the group itself. आज एक chart discuss करते हैं. Sure. चलो 1-6 का क्या क्या लिखा है सबने, पैसे के पीछे भागते हैं. राइट या लेफ्ट साइड ऑफ द फेस विल हैव ब्लैक मोल. अच्छा ये अच्छा था, डिफरेंट एंटी टू वन अनदर. बिल्कुल अथॉरिटीज एंड कैरिंग पर्सन ग्लैमर इंटेलिजेंट ऑनेस्ट इंटरेस्टेड इन गवर्नमेंट जॉब स्टेटस पसंद करने वाला लक्जूरियस ब्यूटी नेचुरल लवर आईसाइट वीक नॉलेजेबल. वेरी गुड नीना जी. एक्सपेक्टेड वे ऑफ डूइंग थिंग्स हेल्थ इश्यूज टू सेल्फ एंड हिज वाइफ. वेरी गुड भारती जी, दिस आई वॉज एक्सपेक्टिंग. यूटीआई प्रॉब्लम्स मैरिज इश्यू इंटेलिजेंट अट्रैक्टिव ओके एंकर लग्जरी ब्यूटी विद ब्रेन. हाँ ये बात सही, ओनली ब्यूटी विद ब्रेन. स्पाउस हेल्थ इश्यूज आई डिजीज रिलेशनशिप इश्यूज सूर्य इज वीक देन ओके आई डिजीज. ठीक है चलो डिस्कस करते हैं अब इसको. गुड लुकिंग फैमिली बॉन्डिंग सन वीक तो फादर से इश्यू. हाँ बिल्कुल सही बात है. जब भी कोई भी कॉम्बिनेशन आप देखोगे हमेशा उसके कारक तत्व दिमाग में रखना. हमने क्यों कारक तत्व करे, आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने फर्स्ट जो बेसिक की क्लासेस है उनमें नंबर डिटेलिंग पे इतना फोकस क्यों करा, ताकि आप लोग खुद अपने कॉम्बिनेशन बना सको. हमने तो ऐसे योगा तो डिस्कस करे ही करे हैं. कॉम्बिनेशन अब इस स्थिति में हो आप लोग कि अपने कॉम्बिनेशन खुद बना रखो, क्योंकि अगर मैं आप लोगों को नोट्स दे भी दूंगी उससे ज्यादा आप लोग प्रिडिक्ट कर सकते हो. कितना अच्छा प्रिडिक्शन आप लोग कर रहे हो, है ना. इतना मैं नोट्स में भी शायद नहीं डाल सकती. ऑलवेज फॉलो हिज हार्ट एंड माइंड. बिल्कुल बिल्कुल सही बात है. वीनस वीक सो लग्जरी प्रॉब्लम. अब इट्स नॉट ऑलवेज कि वीनस वीक होगा या सूर्य वीक होंगे. 1-6 के कॉम्बिनेशन में We have studied this कि दोनों एक दूसरे के एंटी हैं. जब भी 1 और 6 होते हैं दोनों एक दूसरे के एंटी होते हैं. बट ऐसा नहीं है कि हमेशा सूर्य वीक रहेंगे या शुक्र वीक रहेंगे. ये कौन बताएगा, ये बताएगा आपका चार्ट. अब सपोज किसी का बी एंड डी एन 1-6 है. मैंने आप लोगों को ये बताया है कि देखना कैसे है कि कौन सा नंबर ज्यादा स्ट्रांग है. तो पहले तो आप लोग ये देखोगे कि 1-6 में से स्ट्रांग कौन है, क्योंकि सूर्य और शुक्र ये दोनों ऐसे प्लैनेट्स हैं जो अपने अपने फील्ड के माहिर हैं. अगर वो देवता ग्रह हैं तो वो देव प्लैनेट में टॉप पे किंग है वो. और शुक्राचार्य की अगर हम बात करें तो वो राक्षस ग्रह में गुरु हैं उनके. ठीक है, तो राजा और गुरु में जब भी जंग होगी या जब भी फाइट होगी तो गुरु को नॉलेज ज्यादा है, गुरु के पास शक्तियां ज्यादा है राजा से, है ना. तो चांसेस तो 6 के स्ट्रांग होने के ज्यादा है. बट इफ अनफॉर्चुनेटली 6 इज वीक then in that case 1 will be strong. तो 6 week कब होगा लिखेंगे सब लोग चैट बॉक्स में. कब होगा 6 week? आज तो मैं उन स्टूडेंट से पूछने वाली हूँ जिन्होंने पूरी क्लास में जो बड़े साइलेंट बन के रहे. सपोर्टिव नंबर से यदि 6 आया है वीक होगा तो 6 वीक होगा.
50 spiritual, 50 major family issue, father issues, spouse and leadership, quality, good management. Hobbies are expensive perfumes, movies, luxury cars, and his magnet to attract women. Okay. Other forms say multiple. Multiple skin disease. Bilkul Bharti ji, one sex can give skin disease. multiple